हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने मैच बॉक्स कार बनाया है जो रबड़ बैंड से बना है और ये काफी दूर तक ट्रेवल करता है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आखिर ये कार बनता कैसे। इस कार को बनाने के लिए आपको दो तीन मैच बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने एक खाली मैचिस का डब्बा ले लिया है और यहाँ पे हम इसे मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि हमें इतना दूर कट कर लेना है। तो आप सीजर या फिर कटर की मदद से यहाँ पे कट कर सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और इतना पोर्शन खाली हो चुका है। अब हम दूसरा मैच बॉक्स लेंगे, माचिस का डब्बा, और इसे आपस में इस कुछ इस तरीके से चिपका देना है ताकि ये थोड़ी लंबी हो जाए। और एक और माचिस का डब्बा लेंगे फ्रेंड्स और इसके ऊपर हम चिपकाएंगे ताकि एकदम परफेक्ट कार का शेप में आ जाए। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा और काफी अच्छा दिख रहा है। और फ्रेंड्स, ये है स्ट्रो, तो इसमें से हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे जिससे हम इसकी व्हील बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें चिपकाना होगा फ्रेंड्स, तो इसी के सहारे हमारा व्हील रहेगा। तो जो दो छोटे छोटे टुकड़े मैंने पीछे चिपका दिए हैं और एक बड़ा सा टुकड़ा हम आगे के साइड चिपकाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्ट्रो का टुकड़ा है पतला वाला और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, तो कुछ इस तरीके से हम दोनों को बांध देंगे जिसमें हम रबड़ बैंड को फंसा कर ऐड सके। और इसे यहाँ पीछे के साइड लगाना होगा फ्रेंड्स, तो इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। इसी में हमारा रबड़ बैंड वर्क करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है फिक्स, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसकी व्हील बनाने के लिए बॉटल कैप का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी व्हील है टॉय कार की तो उसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। और बीच में आप साइकिल का स्पोक या फिर लकड़ी का टुकड़ा या फिर पतला वाला स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हो। तो देखिए पीछे वाली व्हील कंप्लीट हो चुकी है, इसी तरीके से हम आगे वाले व्हील को भी लगा लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दोनों व्हील अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और ये एकदम फ्रीली मूव कर रहा है आगे पीछे। और एक हम रबड़ बैंड लेंगे फ्रेंड्स और हमें रबड़ बैंड को यहाँ पे चिपकाना होगा। तो आप फेविक्विक से या फिर हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हो। और ये कार बनकर तैयार हो चुके फ्रेंड्स। रबड़ बैंड को कुछ पीछे के साइड ऐसे ऐंठना है आपको फंसाकर और फिर छोड़ देनी है, तो ये कार ऐसे वर्क करेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।